हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। मैं हूं तुम्हारा भाई प्रेम पांडे और चलते हैं, इंग्लिश स्टार्ट करना है आज से। हमें पहला चैप्टर पढ़ना है आपके मेन कोर्स बुक हॉर्नबिल। ये है मेरे पास हॉर्नबिल, तुम्हारी बुक है और इसका पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन आंसर भी आपको पढ़ते ही रट जाए। बहुत मजेदार चैप्टर है और उतनी ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे विथ फिगर्स और सारे हार्ड वर्ड्स की भी मीनिंग आपको पता चल जाएगी। तो मेरे साथ पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करो और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक औरत की तस्वीर, द पोर्ट्रेट, कुसुमंत सिंह ने इसे लिखा है। चलो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, सभी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। वॉज एन ओल्ड वुमन, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मेरी दादी माँ 20 सालों से बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं जब से मैं उन्हें जान रहा हूं, जब से मैं उन्हें जानने लायक हुआ हूं तब से वो वैसे ही बूढ़ी हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। People said that, लोग ऐसा कहते हैं कि she had once been young, कि वो बहुत पहले जवान और प्यारी थी, and had even had a husband, और यहां तक कि उनके पति भी थे, उनकी शादी भी हुई थी। But that was hard to believe, लेकिन ये विश्वास करना बहुत ही नामुमकिन है। विश्वास ही नहीं होता कि ये कभी सुंदर भी रही होंगी, इनके पति भी रहे होंगे, ये बिलीव करने लायक नहीं है। My grandfather's portrait, जो मेरे दादाजी की तस्वीर थी ना, hung above the mantelpiece. अब mantelpiece क्या होता है? Mantelpiece आग जलाने वाली जगह होती है। अगर आपने राज मूवी देखी है ना तो आपको पता होगा mantelpiece क्या होता है। Mantelpiece जहां आग जलती है ना, उसी के जस्ट ऊपर दादाजी की तस्वीर लटकी पड़ी थी, टंगी हुई थी। In the drawing room, कहाँ पर? Drawing room में। He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने बहुत ही बड़ा सा पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, कुर्ते की तरह। His long, उनकी लंबी सफेद जो beard थी, दाढ़ी थी ना, covered her best part of chest. उनके छाती की आधा हिस्सा उनकी दाढ़ी ढक लेती थी। And he looked at least 100 years old. और उनके तस्वीर में देखने के बाद कोई भी बता सकता था कि वो कम से कम 100 साल के तो होंगे ही। He did not look the sort of person who would have a wife. वो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं दिखते थे कि जिनकी पत्नी भी रही होगी या जिनके बच्चे भी रहे होंगे। तो वो कैसे दिखते थे? He looked, वो ऐसे दिखते थे as if he could only have lots and lots of grandchildren. और वो ऐसे दिखते थे जैसे कि उनकी पत्नी बच्चे नहीं, बहुत सारे ढेर सारे grandson, granddaughters, grandchildren रहे होंगे। आगे चलते हैं। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. जहां तक मेरे दादी जी की बात है कि वो कभी जवान भी रही होंगी, कभी प्रीटी भी रही होंगी, the thought was almost revolting. ये सोचना भी बिल्कुल नामुमकिन है यार, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि मेरी दादी माँ कभी यंग और प्रीटी रही होंगी, प्यारी रही होंगी। और देखो आगे क्या होता है। She often told us of the games. अब मेरी दादी माँ मुझे अक्सर अपने खेल के बारे में बताया करती थी जो वो बचपन में खेला करती, ठीक है? That seemed quite absurd. अब ये उनके मुंह से अपने खेलों के बारे में सुनना, ये थोड़ा अजीब लगता था, absurd लगता था, ठीक है? And undignified और अशोभनीय लगता था on her part. उनके मुंह से सुनना ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, शोभा नहीं देता था कि मेरी दादी माँ ऐसे खेल खेला करती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it. और हम लोग भी उतना सीरियसली नहीं लेते थे। हम लोग कैसे ट्रीट करते थे? जैसे कि कोई पैगंबरों की कहानियां हमारी दादी माँ सुनाया करती थी ना, वैसे हम लोग उनके खेलों को भी, जब वो अपने खेल के बारे में सुनाया करती थी तो हम भी समझ लेते थे कि वो किसी पैगंबर की कहानी सुना रही है, सच्चाई नहीं है ऐसा कुछ। तो आई थिंक पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। She had always been short and fat. अब उनके कद काठी के बारे में बताया जा रहा है कि वो हमेशा से एक छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई औरत थी।
हर फेस उनका जो चेहरा था ना वो ऐसा क्रिस क्रॉस, ऐसे क्रिस क्रॉस झुर्रियां पड़ी थी पूरे चेहरे पर, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह झुर्रियां पड़ी हुई थी उनके चेहरे पर। नो नहीं 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 नहीं, वी वर सर्टेन, हम इस बात पर तो निश्चित थे कि सी हैड ऑलवेज बीन As we had known her. नहीं नहीं, अब इससे बूढ़ी तो वो नहीं हो सकती थी, मतलब हमें लगता था कि ये जब से बूढ़ी हुई है ना ये तब से वैसे ही हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, बूढ़ी हैं, वो तब से ऐसे ही हैं। So terribly old, वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है that she could not have grown older, कि अब इससे ज्यादा बूढ़ा कोई नहीं हो सकता है। And had stayed at the same age for 20 years, वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है कि अब वो इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, इसलिए पिछले 20 सालों से वो वहीं पर रुक गई हैं, जैसा पहले 20 साल पहले थी वैसा अब भी दिखती हैं वो। She could never had been pretty, वो कभी प्यारी हो ही नहीं सकती थी, but she was always beautiful, लेकिन वो सुंदर तो थी, मानना पड़ेगा वो सुंदर थी, प्यारी नहीं थी, मतलब वो देखने में उतनी सुंदर नहीं थी, मन से सुंदर थी, beautiful मतलब मन से सुंदर, spiritually beautiful, ठीक है। आगे देखते हैं, she hobbled about the house, वो लंगड़ा के चलती रहती थी पूरे घर में, और क्या करती थी, she hobbled about the house in spotless white, अपने एकदम प्लेन सफेद कलर की साड़ी में वो टहलती रहती थी, लंगड़ा के चलती रहती थी पूरे घर में, और with one hand resting on her waist, with one hand resting on her waist to balance her stoop, उनका जो एक हाथ था ना वो उनके कमर पे हुआ करता था, ऐसे झुक के चलती थी, उन वो जब stoop का मतलब होता है झुकना, अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए उनका हाथ एक कहां रहता था, कमर पे, पीछे कमर पे रहता था, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ था ना वो ऐसे ऐसे माला जपता रहता था, बीट्स का मतलब होता है वो जो माले के छोटे छोटे दाने होते हैं ना उसको बीट्स कहते हैं, और रोजरी मतलब पूरा माला, तो वो माले को ऐसे जपती रहती थी हमेशा, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, जो उनका सिल्वर लॉक मतलब जो सिल्वर कलर के उनकी लटाएं थी, उनके जो बाल थे ना वो बिखरे रहते थे बहुत ही अनटाइडली, अनटाइडली मतलब ऐसे कह सकते हो साफ सुथरी तरीके से नहीं, ऐसे ही बस बिखरे रहते थे, एंड कहां पर बिखरे रहते थे, ओवर हर पेल, उनके एकदम पीले बेरुख से बेजान से चेहरे पर, और पकर्ड फेस, पकड़ मतलब एकदम सिकुड़ा हुए चेहरे पर उनकी जो लटाएं थी वो बिखरी रहती थी, एंड हर लिप्स, और उनकी जो होठ थे कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, लगातार चलते रहते थे किसी ना सुनने योग्य प्रेयर पे, मतलब वो एक ऐसा प्रेयर कहती थी जिससे कोई सुनाई नहीं देता था, किसी को सुनाई नहीं देता था, वो कुछ ना कुछ ऐसे ही जपती रहती थी, कोई प्रेयर कोई प्रार्थना करती रहती थी लेकिन कोई सुन नहीं पाता था, ठीक है। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, सचमुच वो ब्यूटीफुल ही थी, वो स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल थी, मन से वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी थी, वो जैसी किसी ठंडी की समय हो और कोई पहाड़ों को जैसा, जैसे कोई पहाड़ों का नजारा आप ठंडी में देखते हैं ना, उनको देखकर वैसा ही लगता था। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो एक विस्तार सी शुद्ध सफेद शांति के क्षेत्र जैसी लगती थी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि एक क्या कर रहा था, एक शांति और संतुष्टि भरी सांस ले रहा हो। मतलब यहां पर पोएट ने कंपेयर किया है दादी माँ को ठंडी के दृश्य से, जैसे पहाड़ों का दृश्य होता है ना ठंडी में, सेम वैसे ही दादी माँ लगती थी अगर कोई उन्हें देखे तो, वो एक ऐसी विस्तार सी, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट ब्यूटी, एक विस्तार सी शुद्ध सफेद शांति की जो जगह होती है ना वैसी ही वो लगती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और हम मतलब कुशवंत सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद
थर मेरी मेरे जो माता पिता थे ना वो मेरी दादी माँ के साथ मुझे छोड़ गए थे जब वो शहर में रहने चले गए थे, ठीक है। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर और तब से लेकर आज तक हम साथ थे, हम साथ साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। अब इनकी डेली का रूटीन क्या था, उनकी दादी माँ उन्हें सुबह ही उठा दिया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना स्टार्ट कर देती थी। सी सेड, वो कहती थी सुबह का जो प्रेयर था ना वो गुनगुनाती रहती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक एक स्वर में वो गाती रहती थी अपने सुबह के प्रार्थना को। व्हाइल सी बाथेड, जब वो मुझे नहलाती थी मुझे तैयार करती थी तब वो अपने प्रेयर को गाती रहती थी इस उम्मीद में कि दैट आई वुड लिसन, कि मैं उस प्रेयर को सुनूंगा एंड नो इट बाई हर्ट और इसे दिल से याद कर लूंगा, ठीक है। आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उन्हें सुनता था क्योंकि मैं उनके आवाज को पसंद करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन उसे कभी याद नहीं करना चाहा मैं। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और उसके बाद जब वो मुझे नहला लेती थी तैयार कर देती थी ना तो अब वो मुझे स्लेट, मेरी श्याम पटरी जो होती है लिखने वाली, वो ला के दे देती थी। And which she had already washed and plastered with yellow chalk. वो मुझे वो स्लेट ला के दे दिया करती थी जिसको उन्होंने पहले से ही धो दिया था, एकदम पीले कलर के चौक से पूरी उसकी लिपाई पोताई कर दी थी, एकदम प्लास्टर कर दिया था उसको। उसके बाद एंड अ टीनी अर्दन इनकी पॉट, और एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन था जिसमें हम स्याही रखते थे वो भी, और एक लाल कलर की पेन। ये तीनों चीज मेरी दादी माँ मुझे दे दिया करती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल बना के उन तीनों चीजों को उसे बांध दिया करती थी और मुझे हैंड ओवर कर दिया करती थी, दे दिया करती थी, ले लो बेटा पढ़ लो। आगे देखते हैं। After a breakfast of a thick slate, sorry, stale चपाती। अब stale चपाती का मतलब क्या होता है? ये कहते हैं हम ब्रेकफास्ट करने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद, अब सुबह के नाश्ता में क्या था, मोटी बासी रोटी मिलती थी, चपाती मिलती थी इन्हें। स्टेल का मतलब होता है बासी रोटी, ठीक है। इन्हें बासी मोटी सी चपाती मिलती थी, थोड़ा सा बटर लगा रहता था उस पे, थोड़ी सी चीनी छिड़की रहती थी। वी वेंट टू स्कूल, इसको खाने के बाद हम स्कूल चले जाया करते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वो अपने साथ कुछ बासी रोटियों को ले जाया करती थी गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए जो रास्ते में उन्हें मिलते थे। My grandmother always went to school with me, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि क्योंकि the school was attached to the temple, क्योंकि जो मेरा स्कूल था ना वो मंदिर से एकदम जुड़ा हुआ था, अटैच्ड था, ठीक है। The priest taught us the alphabet and the morning prayer, जो उस मंदिर का पुजारी था ना वो हमें अल्फाबेट सिखाया करता था, ए बी सी डी क ख ग घ अ आ ई सिखाया करता था, और क्या सिखाया करता था, सुबह की प्रार्थना सिखाया करता था। दो चीजें, अल्फाबेट और सुबह की प्रार्थना कौन सिखाया करता था, उस समय टीचर नहीं थे, मंदिर के पुजारी ही कुशवंत सिंह को पढ़ाया करते थे, ठीक है। आगे देखो और क्या होता है। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब बच्चे मंदिर के दोनों तरफ either side दोनों तरफ एक पंक्ति लगाकर बैठ जाया करते थे ना और पढ़ते थे, इस समय मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठी रहती थी और उपन्यासों को, धार्मिक किताबों को पढ़ा करती थी, स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी। आगे क्या होता है, When we had both finished, जब हम दोनों पढ़ के खाली हो जाते थे, वो अपनी धार्मिक बुक पढ़ लेती थी और मुझे जो पुजारी पढ़ाता था, जब हम दोनों खाली हो जाया करते थे, We would walk back together, हम दोनों साथ में घर जाया करते थे। This time, और इस समय जब घर जाने की बारी थी, This time the village dogs, जो गांव के कुत्ते थे ना वो मुझे टेम्पल के दरवाजे पे ही मिल जाया करते थे, मंदिर के दरवाजे पे ही हमें वो मिल जाया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। They followed us to our home, growling and fighting with each other. वो हमें हमारे घर तक पीछा करते थे, गुर्राते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, किस लिए,
फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, उन रोटियों के लिए जो हम उन्हें फेंका करते थे खाने के लिए, ठीक है। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल्ड हो गए, they sent for us, उन्होंने क्या किया, हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship, और यही एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था हमारी और हमारे दादी जी के दोस्ती की। मतलब कुशवंत सिंह कहते हैं कि हमारी दादी और हमारे दोस्ती में मोड़ कब आया, जब हमारे माता पिता ने हमें शहर में बुला लिया, ठीक है। Although we shared the same room, हालांकि हम लोग वहां पर भी एक ही रूम में रहते थे, लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी। एंड आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था और मोटर बस से जाता था, भुड़बुड़ी गाड़ी से जाता था मैं। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और अब कोई भी कुत्ते सड़कों पर नहीं मिलते थे। She took to feeding sparrows in the courtyard for our city house. जब वो कहीं नहीं जाया करती थी, जब उन्हें कुत्ते नहीं मिलते थे, तब वो क्या करती थी, जो चिड़िया आती थी, जो गौरैया, जो स्पैरोज आती थी घर के आंगन में, हमारे शहर के घर वाले आंगन में ना, वो उनको खिलाया करती थी, उनको दाने देना शुरू कर दी। अब वो कुत्तों को नहीं खिलाती थी, क्योंकि कुत्ते उन्हें मिलते ही नहीं थे। अब As the years rolled by, we saw less of each other. और जैसे जैसे साल बीतता गया, हमने एक दूसरे को बहुत कम देखना स्टार्ट कर दिया। मतलब हम लोग बहुत कम मिलते जुलते थे, बहुत कम टाइम हम दोनों एक साथ स्पेंड कर पाते थे। For some time, कुछ समय तक तो she continued to wake up, वो मुझे उठाया करती थी और मुझे तैयार कर दिया करती थी स्कूल के लिए। But When I came back, she would ask me, और जब मैं वहां से वापस आता था स्कूल से, वो मुझे पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। I would tell her, मैं उन्हें बताता था, इंग्लिश के शब्द उन्हें बताता था, मैं सारी चीजें अंग्रेजी में हो गई थी, और लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं उन्हें वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताता था, विदेशों के विज्ञान के बारे में बताता था, और उनके पढ़ने लिखने का तरीका क्या था, कैसे उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये सब कुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का जो लॉ है फिजिक्स में, वो अपनी दादी माँ को बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता था, और दुनिया गोल है, इन सारी चीजों को वो अपनी दादी माँ के साथ शेयर करता था। लेकिन इन सारी चीजों को सुन के दादी माँ बिकेम सैड, वो बहुत अनहैप्पी हो जाया करती थी, बहुत नाखुश हो जाया करती थी। अब कहानी में क्या होता है, आगे सुनने के लिए अगला एपिसोड देखिए जो कल अपलोड हो जाएगा। आई थिंक आपको मजा आ गया होगा। भाई लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।